आई के जाई के भीगी चिड़िया, बहारों में तुम हो मौसम में तुम हो। वालेकुम अस्सलाम शरीफ में क्या चल रही है? अल्लाह का करम है, आप सुनाओ। बस यार एक बार तो तुमने भाई घसपड़ कर दिया था, सही है हमारे को तुमने लेडीज सूट दिया लेकिन हमने खैर पहना नहीं। वो मिलना चला यार ऐसी, मैंने यकीन करो बगैर वाले कपड़ों के अंदर जो है ना वो मैंने निकाल लिया। अब जो मेरा ब्लैक वाला कुर्ता है और मेरा तुमसे मैंने कोट पैंट सिलवाया था, कम से कम भाई वो तुमने सही सी होंगे मुझे उम्मीद है तुमसे। अब मेरी बात सुनो, आप बात ये है हमारा मुल्क बड़ा क्रेश में चल रहा है इस वक्त ना, जो कोट आपने मुझसे सिलवाया था ना आपको मैं कोट दे सकता हूँ, इसलिए अब ना नीचे की पैंट मिलेगी आपको ना सूट के नीचे का कभी सलवार मिलेगी। हमारा मुल्क बहुत परेशान है मेरे भाई, आप इन बातों को नहीं समझते, हमारे मुल्क में बहुत बुरे हालात है। तो पेंट नहीं होगी नीचे की, नहीं सलवार नहीं होगी तो पूरा पाकिस्तान नहीं पहनेगा मेरे भाई, अब पूरा पाकिस्तान नहीं पहनेगा, पूरे पाकिस्तान में लोग बगैर सलवार के। हाँ इसके फायदे आप पाओ मेरे भाई, आप इसके फायदे आप क्या समझ रहे हो, आप इसके बड़े फायदे हैं भाई। मैं आपको फायदे बता देता हूँ यार, मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे कारीगर किस तरीके से कर रहे हैं यार, तुम्हारे वो कोई मारेगा के भाई। मेरे भाई मेरा नाम है शफीक टेलर, मेरे भाई क्या हो गया आपको, मैं आपको इसके फायदे गिनवा देता हूँ। आप हमेशा आके मुझसे ऐसी बात करते हो यार, एक बात बता दूं तुम्हारी ऐसी चीज होगी जो सर्दियों में सूख जाती है। अरे आप जो भी बोलो, ये मेरे कारीगर लखनऊ में काम कर रहे हैं यार, मेरा आज से काम थोड़ी है भाई, मैं कोऑपरेटिव का काम नहीं करता हूँ मेरे भाई। मेरे को आप पेंट भी दोगे मैं नहीं दे सकता यार आपको, मैं इसके फायदे बता सकता हूँ। सलवार ना पहनने का क्या फायदा है यार? मेरे भाई सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताऊँ, ठीक है हाँ। आपको कहीं भी डोरा लगेगा आप नाला ऐसे खोल के बैठे, नाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सोच रहे तेरी तो भाई हम नाला खोल लेंगे यार, बल्ले वो नाला खैर है, टाइम लगता है मेरे भाई, टाइम लगता है यार नहीं होता दादा इतना टाइम नहीं होता यार। पूरा सदर मुझसे बनवा रहा है सिर्फ क्या कोट और कमीज, बोला सलवार है मत दो, इसलिए पाकिस्तान में हालात बहुत बुरे हैं यार। मैं तो भाई आपको इतनी जल्दी जब होती है तो आप नाड़े जो बांध के आपको नाड़े में टाइम लग रहा है ना यार, मुझे नहीं पूरे पाकिस्तान को टाइम लग रहा है। यार हमारे मुल्क का वजीर आजम उसने ऐलान किया, बोला कोई नहीं पहनेगा सलवार, वजीर आजम ने ऐलान किया भाई। अगर ऐसी बात है तो मैं पहले टीवी देख कर आऊँ, आप पहले टीवी देख कर आओ फिर मेरे पास आओ, टीवी भी अगर नहीं बताया खुदा की कसम पड़ता है। ठीक है डन हो गया मेरे भाई। हाँ 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 उधर शुरू हो यार, वो पाजी हाजी साहब नहीं उन्हें छोकरी से भी आई ना मिल गया। हाँ सुनो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है। अबे भाई तू फिर आ गया यार, तू क्यों आया था बार बार भाई, तू आ जाता है घर सही है और मैं टीवी देख कर आया हूँ। हाँ अभी तो कोई वजीर आजम ही नहीं है मेरे भाई, मेरी बात सुन, मुझे क्या बोला तो मैं बता रहा हूँ, मुझे क्या बोला सुन पहले मेरी बात, अंदर की रिपोर्ट है मेरे को सब मालूम है मेरे भाई, असेंबली में बैठता हूँ मैं इंची टेप लेके, मजाक बात नहीं है असेंबली में क्या भाई है? मेरा अपना निशान स्त्री है, मेरी पूरी तंजीम है, क्या समझ रहा तू मेरे स्त्री निशान तो कोई है ही नहीं। ओ, मेरे भाई तू कौन सा टीवी देख रहा है, तू मुझे लग रहा है जी टीवी वालों को देख रहा है, मत देख। मैं भाई बोल रही हूँ नहीं, नहीं गलत देख रहा है, तू गलत देख रहा है मेरे भाई, तूने हमेशा गपसड़ा न्यूज देखी है। गपसड़ा न्यूज? हाँ मेरे भाई वर्ल्ड की न्यूज है नंबर वन गपसड़ा न्यूज, नमाज पढ़ो। अमेरिका का वजीर आजम उसको फॉलो करता है, ये कौन सा टीवी पे आ रही है ये बताओ। ये पूरे पाकिस्तान में पूरे इंडिया में पूरे पूरे मुल्क में चल रही है दुनिया में मेरे भाई, तुम्हारा स्त्री निशान जी आप मालूम करो, आप किसी से अच्छे आप अपने बाप से मालूम करो सर, ये तंजीम पाकिस्तान जी क्या हो गया इंसिडेंट लेके मैसेज नहीं बैठा हुआ असेंबली के अंदर। मैं समझ गया, हाथ मिलाओ मुझे पता चल गया भाई जान। हाँ क्या पता चला? पागल हम पागल नहीं है, पागल आपका कोई इलाज नहीं है, हम पागल नहीं है। पेंट और काला सूट दिए ना ये अपने पास रखे, नहीं सकता लगन लगन भी है ना आज के बाद इधर।